pictures in the description. Are you hearing? Yes sir. So the lectures are YouTube. नीचे जो description है उस description में I'll try to paste the PDF file of the corresponding lectures. ठीक है? Okay sir. Yeah, tell me. So किसी ने पूछा अभी I think who asked this question? Sir Sosan. सोसन आपने पूछा कि इसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होगा राइट और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो सबसे पहले एक्सपैंड कर लो x माइनस वाई को तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस वन डू यू अग्री तो ये आपने एक्सपैंड कर लिया आपने एक्सपैंड कर लिया किसको x माइनस वाई होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया नाउ डू नाउ अप्लाई इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अभी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करिए क्या आएगा नाउ यू टेल मी इफ आई डू इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हियर व्हाट विल आई गेट x स्क्वायर का क्या आएगा सर 2x हां 2x आएगा बट आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किया इसलिए dx भी लिखना जरूरी है ठीक है ओके सर और y स्क्वायर का क्या आएगा 2y dy dy आएगा dy ओके यहां तक तो हो गया अभी माइनस 2xy में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस तो वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल तो x को ऐसे ही लिख दो y को करो फिर y को ऐसे ही लिख दो x को कर दो क्लियर जी सर तो यहाँ पे क्या लगाया आपने प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल लगाया इसको समझ में आई बात ठीक है जी सर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाया ओके क्लियर ओके तो इक्वल टू क्या आएगा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या आएगा x का आएगा dx y और 1 का आएगा 0 समझ में आएगा जी सर नाउ इट इज सिंपल सेपरेट dy एंड dx तो dy का अगर आप सेपरेट करोगे तो इधर dy है तो आएगा 2y इधर भी dy है तो -2x करेक्ट और इधर से dy अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा इधर से dy अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो वो हो जाएगा -1 यू एग्री ओके सर फॉर द लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट LHS द dx विल नॉट कम इन द ब्रैकेट वेयर द लास्ट टर्म 2y dx इज देयर राइट दैट इज नॉट dy दैट इज y ओके सो आई नीड ओनली dy dy इधर है दिखाई दिया जी सर dy इधर है और dy इधर है कितने टर्म्स है तीन सर तीन टर्म्स तो तीन भी आ गए जी इक्वल्स टू अभी dx के टर्म्स देखो dx में यहाँ पे 1 है और ये अगर राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस 2y हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 2x हो जाएगा डू यू अग्री Yes. जी सर आ गया आपका dy by dx dy by dx आ गया क्या है आपका dy by dx 1 plus 2y minus 2x बोलो 1 plus 2y, 2y minus 2x divided by 2y minus 2x minus 1 2y minus 2x minus 1 now unfortunately इसको सिर्फ in terms of x लिखना थोड़ा मुश्किल है समझ में आई बात Yes. Actually, you can, yeah, थोड़ा difficult है क्योंकि आपको x in terms of y निकालना पड़ेगा थोड़ा लंबा हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ही छोड़ दो यही आंसर है ठीक है जनरली ऐसे ही होता है सर एक बार स्टार्टिंग से दिखा दीजिए क्वेश्चन क्वेश्चन था ये देखो क्वेश्चन था एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई होल स्क्वायर हियर x माइनस वाई होल स्क्वायर
equals to x plus y minus 1, x plus y minus 1, ये था question, ठीक है, तो this was the question, तो मुझे implicit differentiation करके dy by dx find करना था, ठीक है, so the question is this, find dy by dx, ये था question, now obviously we proceed through implicit, तो अगर किसी को doubt है implicit कब use करेंगे specially, implicit तब use करेंगे जब आप y को x के function की तरह लिखना अगर मुश्किल हो तो, समझ गए, अब यहाँ पे y equals to in terms of x, मैं नहीं लिख सकता ना, can you write? No, sir. If you are given this equation, it is very difficult to write y in terms of just x. Separate नहीं होगा. ठीक है? तो in this case, what do? You adopt implicit differentiation. यहाँ पे आपके पास choice नहीं है. कभी-कभी क्या है? Implicit से भी कर सकते हो या नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देयर इज नो चॉइस बट टू गो थ्रू इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन, दैट इज द ओनली इजी वे, समझ गए? नहीं समझ आया, क्यों यूज करना चाहिए हमें इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन? मैं एग्जांपल बताऊंगा, देखो यहाँ पे अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू x पावर 5 है, तो यहाँ पे इंप्लिसिट भी कर सकते हो नॉर्मल, और यू कैन राइट y एज You can write y as what? Sir, x raised power 5 by 2. 5 by 2 or just dy by dx normal formula laga ke kar sakte ho idhar, right? So, here you were able to write y as a function of x. You were able to write y as a function of x. Do you agree? So, it's easy. Yes, sir. It's easy to write y as a function of x. Do you agree? तो यहाँ पे x power n का formula डाल दो, answer आ जाएगा. ठीक है? तो बोलिए क्या आएगा dy by dx यहाँ पे? So dy by dx क्या आएगा? 5 by 2 x power 5 by 2 minus 1, which is 5 by 2 x पावर 3 by 2 आ गया. ठीक है, अच्छा इम्प्लिसिट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे इम्प्लिसिट भी कर सकते हो. इम्प्लिसिट किया तो क्या आएगा, y स्क्वायर का क्या आएगा, 2y dy, और x पावर 5 का क्या आएगा, 5x power 4 dx. तो यहाँ पे dy by dx क्या आएगा, 5 by 2 पावर 4 x पावर 4 बाय 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 आया सर, ये कैसे हुआ 5x टू द पावर 4? एक सेकंड, x पावर 4 क्या बोला मैंने, हां बाय बाय, हां बोलो क्या डाउट है सर, ये 5x टू द पावर 4 कैसे आया? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से. इक्वेशन क्या था ओरिजिनल, बोलना y, बोलो y square equals x raised to power 5. इसका इम्प्लिसिट ये आ गया. अग्रीड, 5x पावर 4 dx आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. ओके, यहां तक आ गया. अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगी, सो dy by dx क्या आएगा, 5 by 2 x into 5 by 2 into x power 4 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 5 by 2 तो यहां पे लिख दो x पावर 5 by 2, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए अभी. ठीक है, ये क्या था, y था.
आ गया आंसर, सेम आंसर आया। तो डीवाई बाई डी एक्स कितना है बोलिए? थ्री बाई टू एक्स पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू वही आया ना, इधर भी वही आया, इधर भी वही आया। यस तो इधर भी वही आया था, इधर भी वही। तो यू कैन डू नॉर्मल मेथड, यू कैन राइट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यू कैन राइट वाई एज ए फंक्शन ऑफ वाई एक्स, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड देन डू, और इम्प्लिसिट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना काफी मुश्किल है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आपको? फंक्शन ऑफ एक्स लिखना मुश्किल है, तो दैट पाथ इज यू नो वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू, बट इम्प्लिसिट इजी है ना यहाँ पे। अच्छा, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना मुश्किल है, इसीलिए तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया मैंने वाई में, समझ गए सर? जब हम मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं तब हम इम्प्लिसिट ही यूज करेंगे ना सर? हाँ, जब जब हम वाई को एक्सक्लूसिवली एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना मुश्किल हो जाता है तो आप इम्प्लिसिट ही यूज करेंगे, ठीक है। नाउ वाई इज डिफिकल्ट टू बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, समझ में आई बात? क्लियर? जी सर। ओके, सो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का नाम। यहाँ पे भी जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे हमने पुराने वाले इधर, तो ये सारे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के हैं। खैर एनी वे, लेट अस गो बैक एंड प्रोसीड विथ आवर मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना? मोशन इन, कल कल पेपर में की में मिस्टेक्स थे क्या? पेपर है आपके पास अभी? यस सर है। मतलब पेपर शेयर किया गया? नो सर। सर वो ऐप पे ही विजिबल होता है, ऐप में है सर। ओके, एक काम करते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाने दो, मिलने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? पेपर पेपर एंड की पीडीएफ फाइल मिलने के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? जी सर। ओके, लेट मी continue with some problems, okay? So numericals से continue करते हैं हम लोग, we'll continue some numericals, okay? Now look at this numerical. So basically there is a man, यहाँ पे एक man है, so I'm just understand that this is a man, and यहाँ पे एक bus है, यहाँ पे एक बस है, ठीक है? ये एक बस है, ठीक है? दिस इज द बस, ओके, बेसिकली दिस इज अ बस, ठीक है? अभी द क्वेश्चन इज दिस, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैन है और यहाँ पे एक बस है, ओके। तो देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन दिस मैन एंड बस, ठीक है? कुछ सेपरेशन है ये मैन और बस के बीच में। तो अब एम है कि इस मैन को, इस बस को कैच करना है, ठीक है? द एम इज दैट this man should catch this bus. Have we done this problem before? No, no sir. No question before पूछा था sir. अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है? So the distance between man and bus is say कुछ बोलो distance. 7 kilometers. Let us take as s. So distance between man and bus is s. ठीक है? Now When the man sees the bus,
द बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद ए, द बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद ए, ठीक है, समझ में आई बात? इसका मतलब बस का u इक्वल टू क्या था? जीरो था, जीरो, ठीक है, इनिशियली बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विथ ए, ठीक है, एक्सेलरेटिंग विथ ए, ठीक है, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, द मैन स्टार्ट्स रनिंग towards the bus with a constant velocity. What do you mean by constant velocity? Sir, no acceleration. No acceleration, constant velocity से जा रहा है वो. किससे जा रहा है? Constant velocity से जा रहा है, ठीक है. If the bus is ahead by s meters, what must be the minimum v so that he catches the bus? Samajh mein aaya question? Sir. Hmm. सर अगर बस एक्सेलरेट कर रहा है तो वो फिर कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से उसे कैच कर पाएगा? नो, ये आदमी जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और बस जा रही है एक्सेलरेशन से, समझ में आई बात? मिनिमम वेलोसिटी वी, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वेलोसिटी वी सो दैट द मैन कैचेस द बस, समझ में आया क्वेश्चन? जी सर. देखो जी सर, लाइक 100 मीटर्स अहेड बस है, बस जा रही है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, तो आदमी की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि वो जो है ना बस को पकड़ पाएगा, ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेके करें नंबर्स का. सो लेट ओके, लेट अस अज्यूम दैट s इक्वल्स टू 100 मीटर्स एंड a ऑफ बस क्या है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. लेट अस डू फॉर दिस नंबर्स, तो थोड़ा इजी रहेगा समझ में आने के लिए, समझ में आई बात? ठीक है, तो 100 मीटर आगे बस है और बस जो है ना स्टार्ट किया बस ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये आदमी जो है ना क्या मिनिमम वेलोसिटी से भागने पर बस को पकड़ पाएगा? क्लियर? तो इसके लिए ये जो आदमी का इनिशियल पोजिशन है वो ले लो जीरो, इसको ले लो जीरो, ये हो गया आपका रेफरेंस, समझ में आई बात? यस सर. ओके, तो आदमी का अगर पोजीशन लिखेंगे हम एक्स ऑफ मैन, एक्स ऑफ, लेट अस कॉल इट एज एक्स ऑफ मैन, एक्स क्यों लिया हमने? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है मोशन, अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वगैरह होते तो वही लेते, है क्या नहीं? एक्स ऑफ मैन क्या होगा? वी इंटू टी, अग्री? ये फॉर्मूला याद है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर? जी सर. यस सर. इसका एक्सेलरेशन क्या है सर? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, यहाँ पे लिखा है ना कांस्टेंट वेलोसिटी. जी सर. हाँ, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? v से ही भाग रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? v. तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? VT. Do you agree? Yes. Okay. Now let us write. Sir, x of man का क्या मतलब है? एक man का position. पहले zero पे था ना man. Sir, s displacement के लिए भी होता है और position के लिए भी. Position खुद displacement होगा ना अगर वो zero से आगे आ रहा है तो. Okay, sir. समझ गए? Yes. तो आदमी यहाँ पे पहले zero पे है, बाद में जो है ना x one पे जाएगा, बाद में x two पे जाएगा, बाद में x three पे जाएगा. एक्स बदलते जाएगा आदमी का,
तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट ही तो पोजीशन होगा, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ गए? सर हाउ डिड एक्सीलरेशन बिकम जीरो? यस सर, बिकॉज़ हियर इट इज रिटन ही इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या? एक्सीलरेशन इज जीरो. ए क्या आएगा? डीवी बाय डीटी. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो. जीरो. ओके. ये हो गया मैन का. वी आर टॉकिंग अबाउट मैन. मैन की बात हो रही है, ठीक है? ये हो गया मैन का. अब बस की बात करो. एक्स ऑफ बस क्या होगा? एक्स ऑफ बस, एक्स ऑफ बस क्या होगा? बस तो ऑलरेडी 100 मीटर्स पे है, तो वो मैं लिख देता हूं इधर 100, ठीक है? ये भी मीटर में ही आएगा. हाँ, 100 मीटर्स प्लस प्लस, बोलो क्या आएगा बस का? बस का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? हाफ. बोलिए हाफ. हाफ टू टी स्क्वायर. अग्रीड सर? वहां पे आपको टी नहीं लिखा था कहां? सर 100 के बाद. 100 इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, 100 पोजीशन है, समझ गए? ठीक है, फिर कंफ्यूजन है आप लोगों को, मैं फिर से करता हूँ, मैं फिर से करता हूँ. ठीक ठीक है, मैं फिर से करता हूँ. एस ऑफ मैन बोलो आप लोग. एस ऑफ मैन इज इक्वल टू वी टी. अग्रीड? जीरो. वी टी एस ऑफ मैन. एस ऑफ मैन इज वी टी टाइम टी के बाद. ठीक है, एस क्या होगा? एक्स ऑफ मैन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन एक्स ले लो, इनिशियल पोजीशन जीरो है, इक्वल टू वी टी. समझ में आई बात? सर वी टी क्यों यूटी होना चाहिए ना? उसका वी दिया ना क्वेश्चन में, उसका वेलोसिटी वी दिया ना. ओके ओके सर. वी इज यू इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, यू ले लो, यू ले लो, चलेगा, यू ले लो. इट इज बेटर टू अवॉइड कंफ्यूजन, यू ले लो. तो क्या आएगा? यूटी आएगा. यूटी जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, यूटी. तो ये क्या आएगा? यूटी. तो व्हाट इज द कंक्लूजन? इनिशियल माइनस यूटी. अग्रीड? यस सर. ओके, नाउ बस का देखते हैं. बस का तो दिस इज फॉर व्हाट? ये किसके बारे में देखा हमने? मैन. मैन के बारे में देखा. अभी देखते हैं बस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस क्या है. 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट. 100 इट इज हाफ एट स्क्वायर ना. डिस्प्लेसमेंट बोलो खाली. डिस्प्लेसमेंट हाफ 2 टी स्क्वायर. 2t square. समझ गए? जी सर. अभी इसमें यूटी क्यों नहीं लगा? हाफ यूटी प्लस यूटी. बस स्टार्ट से एड्रेस्ट यहाँ सर. तो वो तो एस लिख दिया मैंने. रुको, एस लिख दिया ना. अब एस क्या होगा? एस क्या होगा? 100 फाइनल पोजीशन ऑफ बस माइनस इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन क्या है बस का? 100. यस सर. इक्वल टू हाफ 2t square. समझ में आई बात? वो 100 कहां से आ रहा था अभी? यस सर. ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा. तो एक्स ऑफ बस क्या आ गया? 100 प्लस हाफ 2t square मीटर्स. अग्रीड? यस सर. यस सर. ओके ठीक है. Now let us see. Sir, दोनों. हाँ. Sir, जो आपने वहाँ पे s of bus लिखा है half 2 into t square, sir, ये आपने time zero पे लिखा है? Time t पे. U zero पे लिया. U zero लिया. ये displacement of bus है, ये position of bus है. Okay sir. ये displacement है. ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है पोजीशन. यहाँ पे ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, पोजीशन ऑफ मैन.
और ये है पोजीशन. पोजीशन ऑफ मैन. नाउ नाउ व्हाई इज डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन सेम फॉर मैन? बिकॉज़ ही स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. यस सर. व्हाई इज डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन डिफरेंट फॉर बस? बिकॉज़ बस इज स्टार्टिंग एट 100. यस सर. देखो यहां पे मैं एक लिखता हूं डेल्टा एस और एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स व्हिच इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. समझ में आई बात? इसका एक और स्टाइल में लिखता हूं मैं. यस सर. एस ऑफ टी, देखो एस ऑफ टी मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू x of t minus x of 0. समझ में आई बात? यस सर. ओके क्लियर. तो यही यूज हो रहा है अभी यहाँ पे. वी आर यूजिंग ओनली दिस. क्लियर? यस सर. ओके जी सर. नो let us examine this problem. When will the man catch the bus? Catch the bus, boliye. When the position of man and bus equals. Agreed? जी सर. दोनों का पोजीशन जब सेम होगा तभी तो बस के अंदर चढ़ पाएगा. अगर पीछे होगा या आगे होगा तो बस में नहीं चढ़ पाएगा ना. जी सर. ठीक है. तो what will I write? X of man must be equal to X of bus. Agreed? बस. Yes sir. S of man क्या लिखेंगे? S of man है UT और S of bus लिखेंगे 100 100 half 2t square. Now simplify the problem. 2 cancel ho gaya. Kya equation aa gaya? Yes sir. UT 100 plus t square equal to 100 plus t square. Ye quadratic equation hai. To ye quadratic equation hai. Kya quadratic equation hai yahan pe? T square minus UT t square plus 100 equals to 0. So quadratic equation is this. T square minus UT plus 100 equals to 0. समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या पता है आपको? सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से AT square plus BT plus C equal to 0 है. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में what do you know? जीरोस सर. इसके दो जीरोस होते हैं. इसके रूट जीरोस. इसके रूट्स होते हैं ये. yes. क्या है रूट्स इसके? t इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर अंडर रूट 4ac डिवाइडेड बाय 2a बाय 2. ओके वेरी गुड. Correct? Do you agree? Yes, sir. Achha, if b square minus 4ac is greater than 0, then, then it has real roots, real and distinct. It has real roots. Two unequal roots. Yes. Abhi yahan pe real और कॉम्प्लेक्स की बात ना करें क्योंकि ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है. ठीक है? सो वी जस्ट स्टिक विद दे हैव रूट्स और दे हैव नो रूट्स, ऐसे ऐसे बात करेंगे. ठीक है? ठीक है. यार व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट बट दैट इज यू नो एप्लीकेबल इन एडवांस थिंग्स जो अभी जरूरत नहीं है हमको. ठीक है? ओके सर. ओके नाउ यस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 देन इट हैज टू इक्वल रूट्स. Two equal roots
और थोड़ा लूजली बोले या स्ट्रिक्टली नहीं बात करें तो वन रूट भी बोल सकते, ठीक है जी सर। और यू कैन से इट हैज वन रूट, ठीक है। बोलिए इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन देन इट हैज नो रूट इमेजिनरी, इट हैज नो रूट। अभी बात मत करो इमेजिनरी के बारे में, अब हम लोग सिर्फ रूट्स है नहीं है ऐसे देखते हैं, ठीक है। सो ठीक है, रीजन क्या है, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता, ओके नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता, वो आयोटा होता है वो भूल जाओ, पर यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है अपना टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 100 क्या है, टी स्क्वायर माइनस ut plus 100 u square minus ut plus 100 is equal to 0 is equal to 0, यहाँ पे here कुछ भी हो सकता है possibility, no roots वाली भी हो सकती है, two roots वाली भी हो सकती है या one root वाली भी हो सकती है, correct? yes sir जी sir। अगर root है ही नहीं तो कभी बस पकड़ नहीं पाएगा वो, अगर दो रूट्स है तो बस को दो बार पकड़ पाएगा, एक बार बस को पीछे करेगा फिर धीरे से बस उसे एक्सेलरेट करके पीछे करेगी तो दो बार चढ़ने का चांस मिलेगा, समझ में आई बात? या यस सर। एक और केस ये है जिसमें उसका जस्ट जो है ना बस रीच करते ही बस आगे निकल जाएगी और उसको एक चांस मिलेगा बस पकड़ने का, ठीक है जी सर। सो सो फॉर दिस इक्वेशन टू हैव रूट्स, फॉर दिस इक्वेशन to have one or more roots, one or more roots, condition क्या चाहिए? Condition sir, b square minus 4ac should be greater or equal to 0. Condition is b square minus 4ac must be greater than 0 the root के लिए, equal to 0 the root के लिए, समझ में आई बात? जी sir। अच्छा यहाँ पे b क्या है बोलिए, b क्या है? Minus u, b की जगह माइनस यू डालेंगे तो माइनस यू माइनस फोर, ए की जगह क्या डालेंगे? वन, ए की जगह वन डालेंगे क्योंकि टी स्क्वायर का फैक्टर है वन, एंड सी की जगह क्या डालेंगे? हंड्रेड, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अग्री? यस सर। इसका क्या आएगा सर? यू स्क्वायर माइनस 400, स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 आएगा। Yes, sir. That means the conclusion is u must be greater than 20 meters per second. अगर ये 20 meters per second से भागेगा, अगर ये 20 meters per second से दौड़ेगा, ठीक है? तो फिर एक बार बस को कैच कर पाएगा sir. एक बार बस को कैच कर पाएगा अगर 20 से भागा तो बस को एक बार पीछे करेगा, बस इसको और एक बार पीछे करेगी, ठीक है? तो दो बार पकड़ने का चांस मिलेगा। अगर ये 20 से कम की स्पीड पे दौड़ेगा तो बस आगे निकल जाएगी और इसे बस कैच करने का चांस कभी नहीं मिलेगा, ये भागता रहेगा पीछे पर बस तो आगे निकलती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा दोनों के बीच में, समझ में आई बात? जी सर। सर इस क्वेश्चन में हम लोग को कैसे पता चला कि s equals to ut plus half at square का यूज करना है? क्योंकि क्योंकि आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो भी एक कांस्टेंट है, अगर जीरो भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में आप अप्लाई कर सकते हो तीनों इक्वेशंस। नहीं वही तो सर, तीनों में से ये वाला यूज करना था, ये कैसे पता चला? क्योंकि दोनों 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 या दोनों एक पोजीशन पे, और आदमी बस कब पकड़ पाएगा? दोनों एक पोजीशन पे रहेंगे तो पकड़ पाएगा ना, दोनों एक वेलोसिटी पे तो पकड़ नहीं पाएगा। सी क्या इक्वल होना चाहिए बस में चढ़ने के लिए, दोनों की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए? नहीं, दोनों का पोजीशन, तो पोजीशन सेम चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट ही तो देखोगे, वेलोसिटी थोड़ी ना देखोगे, तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी तो यूज में नहीं आएगा। यस सर। और अपने को टाइम चाहिए, टाइम समझ गए, कुछ टाइम पे पकड़ेगा ना, तो टाइम चाहिए तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ही आएगा ना इक्वेशन।
समझ में आई बात? सी यस सर, मैन का एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो उसके लिए एस हो गया यूटी, उसके लिए एस हो गया यूटी। और बस स्टार्ट सेट रेस्ट, बस स्टार्ट सेट रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो उसके लिए हो गया जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर बस का हो गया डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? और मैन का पोजिशन क्या है? मैन का पोजिशन डिस्प्लेसमेंट ए की है, क्यों? जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही पोजीशन पे जाएगा क्योंकि जीरो पे स्टार्ट किया उसने, ठीक है, समझ में आई बात? और बस ने स्टार्ट किया 100 पे, 100 से आगे जितना भी जाएगा वो उसका पोजीशन होगा, तो 100 ऑलरेडी है पोजीशन उसका, प्लस एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा वो उसका पोजीशन होगा, तो बस का पोजीशन क्या होगा? 100 प्लस हाफ टू टी स्क्वायर, समझ में आई बात? क्लियर? यस सर। अब दोनों का पोजीशन जब इक्वल होगा तो वो मतलब आदमी बस में चढ़ पाएगा, ही कैन कैच द बस। तो आई हैव रिटन एक्स ऑफ मैन मस्ट बी एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ बस, फॉर व्हाट? फॉर द मैन टू कैच द बस। तो दिस इज द कंडीशन जी सर, फॉर द मैन टू कैच द बस, हो गया? सर आपने बोला कि ये यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमेशा याद रखो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिर्फ मैन की है, बस की तो है नहीं? बस की भी कांस्टेंट है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ओके सर, 2t थोड़ी ना है, 2t स्क्वायर थोड़ी ना है, log t थोड़ी ना है, sin t थोड़ी ना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो वो तो कांस्टेंट हो गए। ओके सर। ओके मैं एक चीज बताता हूं आपको, वॉच केयरफुली। तो जो पोजीशन है बस का वो तो टाइम का है, पर आई विल राइट एज इन टर्म्स ऑफ x बिकॉज सॉफ्टवेयर में x देता है, ठीक है? क्या है वो? 100 प्लस t स्क्वायर है क्या? नहीं यस सर। तो ये हो गया मैन का, सॉरी ये हो गया बस का। बस का सर, बस का क्या पोजीशन? पोजीशन सर, बस का पोजीशन ये देखो, ये बस का पोजीशन है, दिखाई दिया? यस सर, ये बस का पोजीशन है, ठीक है? बस के पोजीशन का ग्राफ है, ये बस के पोजीशन का ग्राफ है, क्लियर? अच्छा, मैन के पोजीशन का ग्राफ क्या होगा सर? यूटी सर, यूटी होगा ना? तो मैं ये एक कलर में ले लेता हूँ, लेट अस टेक इट इन रेड कलर, ये रेड वाला बस का है और मैन का कितना है? यूटी है ना, है क्या? नहीं जी सर। तो यू के यू क्या बदले मैं? अच्छा 20, अपना आंसर क्या आया था? 20 आया था जी सर। अगर 20 लिया मैंने, 20 टी, तो देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है ये दोनों ग्राफ का, दिखाई दिया वहां पे? यस सर। सो लेट अस टेक इट इन ग्रीन। तो एक पॉइंट पे जो है ना इंटरसेक्शन है, दिखाई दिया ग्राफ में? एक पॉइंट बता भी रहा है सॉफ्टवेयर आपको, 200 200 पे दिखाई दिया यहाँ पे? यस सर, यस सर। ओके आई थिंक या इसका स्केल पॉइंट कैप्चरिंग जूम टू फिट। ओके ऐसे है ग्राफ, दिखाई दिया? अच्छा, अगर 20 से कम हो गया स्पीड तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा ग्राफ, मैं बताऊंगा। अगर 10 हो गया स्पीड, एंटर, देखो कभी ग्राफ मीट नहीं होंगे, दिखाई दे रहा है आपको? बस और मैन के ग्राफ कभी मीट नहीं होंगे, ठीक है? मतलब दोनों का पोजीशन कभी भी इक्वल नहीं होगा, समझ में आई बात? जी सर। अगर थोड़ा ज्यादा स्पीड ले लूं, 30 ले लूं, तो दो बार इंटरसेक्ट करेगा। देखो अगर 30 ले लूं तो
दो बार इंटरसेक्ट करेगा, देखो दो बार, दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको सॉफ्टवेयर में, देखो दो पॉइंट दिखाई दिए? नो सर, हाँ यस यस सर, ऊपर एक पॉइंट है 800 के करीब, 100 के करीब एक और पॉइंट है, समझ में आया? ये किसके ग्राफ्स है? एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे पोजीशन है, ठीक है? तो पोजीशन जो है ना, दो इसका दो बार इक्वल होगा अगर 30 से भागेगा तो, 20 से भागेगा तो दोनों का पोजीशन सिर्फ एक ही बार इक्वल होगा, देखो एक ही पॉइंट है, दिखाई दिया आपको? जी सर। अगर अगर 20 से कम में, कम पे दौड़ा ना ये, अगर 20 से कम पे दौड़ा, से 10 पे दौड़ा तो कभी जो है ना मीट नहीं करेंगे, देखो कोई पॉइंट है ही नहीं कॉमन रेड और ग्रीन में। यस सर। तो बस आगे का आगे निकल गई, आदमी पीछे भागता रहेगा बस के, ठीक है? क्लियर? जी सर। ओके, सो दिस इज हाउ, this is how the graphs are, ठीक है? Anyway, let us continue. So ये थोड़ा बड़ा question है, but actually you can do it in 2 or 3 steps, अगर आपको थोड़ा अच्छा practice हो गई तो, ठीक है? Clear? So this is today's numerical one. तो ये आज का first numerical है. Second numerical, let us go to second numerical. Okay? So the question is like this. सर अगर इसमें अज्यूम ना करते वैल्यू, पहले एग्जांपल ना लेते सर, तो फिर आंसर कैसे आता? कौन सा तो ये इससे पहले वाला नहीं आएगा, अज्यूम नहीं कर सकते ना, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अज्यूम कैसे करोगे सर? आपने एग्जांपल लेके किया है। क्या क्या लेकर? एग्जांपल, एज एन एग्जांपल। ना एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि मुझे चाहिए था एक्सेलरेशन बस का चाहिए और एक्सेलरेशन जो है ना इसका चाहिए। अच्छा, फॉर ए जनरल एनी वैल्यू बोल रहे हो आप? यस सर। फॉर एनी वैल्यू द प्रॉब्लम विल बी सिंपल, आई विल कंटिन्यू सेम प्रोसीजर। तो मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, देखो ये समझाने में इतनी देर हुआ, अभी मैं जो है ना थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है? एक्स ऑफ मैन क्या होगा? एक्स ऑफ मैन यूटी होगा, यूटी, ठीक है? और एक्स ऑफ बस क्या होगा? एस प्लस हाफ। तो एस प्लस हाफ एटी स्क्वायर, करेक्ट हो गया? यस। तो दे मीट, ये दोनों मीट कब करेंगे? व्हेन बोथ आर इक्वल। X of man equals X of bus. Agreed? X of man क्या है? UT. X of bus क्या है? S plus half AT square. समझ में आई बात? Okay. So let us rearrange this. 2 से multiply करो तो 2 UT equals to 2S plus 80 स्क्वायर आएगा। सो लेट अस जस्ट रीअरेंज दिस इक्वेशन, तो हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 2 यूटी प्लस 2s इक्वल्स 0। समझ में आई बात? सर s कांस्टेंट है ना सर? हाँ, यहाँ पे s कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, समझ गए? जी सर। तो यहाँ पे क्या है, s एंड ar बोतार कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट है इसलिए तो ये इक्वेशन अप्लाई किया। समझ में आई बात? जी सर। ओके, यहां तक क्लियर? जी सर। नाउ जस्ट सॉल्व इट। जी सर। हाउ टू सॉल्व? अप्लाई दैट फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है? जी सर। तो दिस इक्वेशन हैज
roots if b square minus 4ac greater than equal to 0 hai kya nahi to 2u square minus 4 a to a hi hai c kya hai 2s must be greater than or equal to 0 samajh mein aayi baat तो yes. क्या आएगा v u u क्या आएगा u क्या आएगा 4 u स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4a into 2s आएगा यस सर v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा रूट ऑफ a 2s 4 4 कैंसिल हो गया यस सर रूट ऑफ 2as रूट ऑफ 2s ये जनरल आंसर है समझ गए v मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2as ये फार्मूला लास्ट प्रॉब्लम में लगाएंगे भी तो वही आंसर आएगा आपको ठीक है लास्ट प्रॉब्लम में क्या था v मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोलो 2 एक्सेलरेशन बस का 2 था और दोनों के बीच में डिस्टेंस था 100 100 क्या आ गया इंप्लाइज v इक्वल v ग्रेटर और इक्वल टू 20 v ग्रेटर और इक्वल टू 20 ठीक है क्लियर सो ये जनरल है ठीक है जी सर ओके नाउ या सर टाइम इसका कैसे निकालेंगे हाँ टाइम भी निकाल सकते हो बी इक्वल टू एटी हाँ टाइम भी निकाल सकते हो टाइम भी निकाल सकते हो आप ठीक है तो दोनों इक्वल कर दो आ जाएगा टाइम मतलब एट व्हाट टाइम तो पहले बोलो इफ मैन रन्स एट 20 मीटर्स पर सेकेंड एट तो मैन कुछ भी रन कर सकता है ना 20, 30, 40 वॉट एवर इफ मैन रन एट 20 मीटर्स पर सेकेंड एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल है ये 20 मीटर पर सेकेंड पे कोई भाग नहीं सकता बट एनी वे प्रॉब्लम है थियोरेटिकल ठीक है देन ही कैचेस आप लोग करो बस एट टी इक्वल्स टू डैश कैसे करेंगे सर ऊपर वाले इक्वेशन में सो एक्स ऑफ मैन क्या था ये एक्स ऑफ मैन सर 5 सेकंड्स नहीं हो जाएगा हाँ देखेंगे एक्स ऑफ मैन क्या आएगा यूटी सर 20 टी और एक्स ऑफ बस क्या आएगा हाफ ऑफ ए 80 स्क्वायर नहीं वो 100 पे है ऑलरेडी 100 प्लस हाफ 80 स्क्वायर हाफ 2t स्क्वायर तो t स्क्वायर हो गया समझ गए क्लियर दोनों सब्स्टिट्यूट करो क्या आएगा 20t इक्वल्स टू 100 प्लस t स्क्वायर तो लेट अस सॉल्व दिस बोलो t square minus 20t minus 20t equals plus 100 equals to 0 तो 20 है और 100 है तो क्या करोगे tell me 10 into 10 very good so you can write this as -20 -20 -2 10t plus 10 square equals to 0 है क्या नहीं जी सर तो ये हो गया t minus 10 whole square equals to 0 तो आंसर आ गया आपका आंसर क्या है 10 therefore t equals to 10 seconds okay
So the man catches the bus at t equals to 10 seconds after the start. If he runs at 20 meters per second. समझ में आई बात? Yes sir. Now if he runs at 30 क्या होगा? और if he runs at 40 क्या होगा? The 15 seconds if run at 30 meter per second. 30 से run करेगा तो क्या आएगा? 15. दो आंसर आएंगे. Do you agree? जी सर. Let us see. Suppose sir, 4.5 seconds. He instead runs at 30 ले या 40 ले? Sir, 30. So 40 लेते हैं, ठीक है? 40 लेते हैं. कुछ भी चलेगा, ठीक है? तो equation क्या हो जाएगा बोलना? T square minus 20T के बदले क्या आएगा? Minus 40T आएगा, right? Yes, sir. Do you agree? या फिर से लिखो, x of man क्या आएगा? 40t, x of bus आएगा? ut, 40t. 100 plus t square आएगा, x of bus, 100 plus half a t square है, समझ गए? तो दोनों equal करने से यह equation आएगा. अब roots क्या है इस equation के? रूट्स क्या है? T equals to minus b plus or minus b square. बोलिए, b square क्या है? सर minus 40 square. Minus 4 ac. 4 into a 1 into 100. By 2 a. जी. By 2. ये आ गया. नेक्स्ट क्या आएगा बोलिए? 40 प्लस माइनस रूट ऑफ 1600 माइनस 400. 16 माइनस 400 क्या आएगा? 1200. 1200 आएगा. तो ये पूरा जाके 1200 आएगा. इफ यू सॉल्व डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 आएगा. What is t equal to? बोलिए. Twenty less or minus? 20 into 30 root 30. 1200 को क्या लिखोगे आप? ठीक है, एक और step लिखता हूँ. एक और step. बोलो. T equals to 40 plus or minus 1200 can be written as 20 root 3. Yes sir. Anybody has any problem in understanding this? No sir. For 1200 ko 20 root 3 kaise likha bolo? Sir, 400 into 3. Sir, so 1200 is 400 into 3 na. To jab root ke bahar aayega ye 400 to kya ho jayega? 20. समझ में ही बात? और 3 रूट में ही रहेगा, ठीक है? बाय 2. तो आंसर क्या है आपका? बोलिए सर. 20 कॉमन आ जाएगा. ओके, 20 कॉमन आ जाएगा, ठीक है. तो आई विल डू इट लाइक दिस. 20 प्लस और माइनस 10 रूट 3. जी सर. Agreed. दोनों ही आंसर है. क्यों? क्योंकि root 3 is about 1.732, तो 17.32 आएगा ये, ठीक है? तो t equals to 20 plus or minus 17.32 आएगा. Agreed. Yes sir.
तो क्या आएगा वो t इक्वल्स टू, बोलिए सर, 2 point something, ओके एनीवे आई विल राइट इट लाइक दिस, 13.37.32 seconds, और सबट्रैक्ट करने से क्या आएगा 2.68 seconds approximately. इसका मतलब ये आदमी को दो बार चांस रहेगा बस कैच करने का, एक 2.68 सेकंड पे, दूसरा 37.32 seconds. सो बेसिकली पहले वो बस को एक बार पीछे करेगा, फिर बस स्लोली एक्सेलरेट करके उसको पीछे करेगी, ठीक है, समझ में आई बात? जी सर. और आप कोई भी वैल्यू 20 से कम लेंगे तो रूट्स नहीं आएंगे, कोई भी वैल्यू, सॉरी उसकी कोई भी स्पीड 20 से कम लेंगे तो आपको रूट्स नहीं आएंगे इक्वेशन के, राइट? सो वो भी देख लेते हैं. इफ मैन, इफ द मैन इंस्टेड रन सेट 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो बोलो क्या आएगा एक्स ऑफ मैन, क्या आएगा बोलिए, 10t x of bus same 100 minus or 100 plus t square, तो ये दोनों इक्वल कर दो, इक्वल करने से क्या आएगा t square minus 10t square minus 10t plus 100 equals to 0 plus 100 equals to 0. So if you see, you will not get any roots for this equation. Why? देख लो t equals to क्या है, plus 10 plus or minus, बोलिए root of 10 minus 10 square minus 4 into 1 into 100 minus 4 into 1 into 100. Now see, look at this, by 2 into 1. So if you look at this equation, there are no roots for this equation, can you see that? Yes sir. Why? So because it is a negative root. Because it is discriminant is less than 0. Okay, so let me just write down here, we have root of 300, right, which is not real, therefore no roots. Clear? समझ में आई बात? जी सर. So we have, हाँ सर, ये x of bus 100 plus t square कैसे? कौन सा? x of bus, मतलब जितने questions करें उनमें same ही था. हाँ, 100 plus t square, ut plus c, उसका half है t square है displacement, तो half into 2 t square हो गया, t square वो ऑलरेडी 100 पे था, तो 100 से आगे कितना आ जाएगा, 100 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बस ऑलरेडी 100 पे है, बस ऑलरेडी 100 पे है, 100 से आगे कितना जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर, तो पोजीशन या ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने दूर पे रहेगा, 100 प्लस हाफ 2 टी स्क्वायर, तो कितना आएगा 100 प्लस टी स्क्वायर उसका पोजीशन. सर तो यहाँ पे ut कहाँ गया, u तो जीरो है ना बस का. ओके ओके सर, ओके 100 हमने ऐड किया, स्टार्ट से ट्रेस ना, इधर लिखा हुआ है u जीरो है क्या, नहीं देखो, क्लियर? और सर x of man क्या है सर, आपने मतलब फर्स्ट में शायद 20t था, हाँ तो हमने ut लिया अभी. ओके ओके सर, तो यहाँ पे इसका मैं लिख ही देता हूँ, इसका है u, ठीक है, और इसका है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका a क्या है, जीरो, क्लियर, a ऑफ मैन इक्वल्स टू जीरो, समझ में आई बात?
a of man equals to 0 and u of bus equals to 0. U of bus equals to 0. समझ में आई बात? क्लियर? जी सर. सो देयर आर लॉट्स. सर या बोलिए सर, अगर बस की एक्सेलरेशन की जगह हमें कांस्टेंट वेलोसिटी बस की भी दी होती तो हम कैसे करते? अगर बस की भी कांस्टेंट वेलोसिटी दी होती तो दो तरीकों से कर सकते हैं आप. यू कैन डू द प्रॉब्लम इन टू वेज. आई विल डू दैट प्रॉब्लम हियर. सो वेलोसिटी ऑफ मैन और यू ऑफ मैन ले लेते हैं. यू ऑफ मैन इक्वल्स टू 20 मीटर्स पर सेकेंड. समझ में आई बात? जी सर. ठीक है. और ए ऑफ बस इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. बस इज इनिशियली अहेड ऑफ मैन बाय 100 मीटर्स. बाय कितना? 100 मीटर्स. क्लियर? जी सर. आफ्टर व्हाट टाइम विल ही कैच द बस? ठीक है, समझ में आई बात? जी सर. तो एक्स ऑफ मैन क्या लोगे? 20t. ओके. यस सर. एक्स ऑफ बस क्या लोगे? 10t. तो उसका डिस्प्लेसमेंट, बट इनिशियली वो 100 मीटर ऑलरेडी है, तो 100 प्लस 10t हो जाएगा एक्स ऑफ बस. डू यू एग्री? यस सर. नाउ ये समझ में आया स्टेप बस वाला? सर बस वाला नहीं आज. तो मैन तो जीरो पे स्टार्ट किया. देखो मैं बताऊंगा, ये जीरो है. ये क्या है? यस सर. ये जीरो है. ये क्या है? जीरो. सर आ गया एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों की जीरो है. ओके. मैन इधर स्टार्ट करेगा. मैन किधर स्टार्ट करेगा? जीरो पे स्टार्ट करेगा. कितने से स्टार्ट करेगा? यस सर. 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करेगा. 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करेगा. वेलोसिटी. और यस सर. बस किधर स्टार्ट करेगी? सर 100 से. बस 100 से स्टार्ट करेगी. तो मैं ये ले लेता हूँ 100. समझ में आया? जी सर. यस सर. यस सर. ये है 100 मीटर. यह है 0 मीटर. ठीक है. तो ये है मैन. तो मैन को इधर इधर लिख देते हैं. मैन को इधर ड्रॉ कर देते हैं. ये है मैन. दिखाई दिया? ये वाला मैन है. बस यहां पे है. बस कहां पे है? यहां पे. तो ये है बस. तो बस की स्पीड क्या है? बोलिए. 100 प्लस 20. बस की स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड. तो बस का जब मैन का पोजीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जीरो प्लस 20t, क्योंकि जीरो पे स्टार्ट कर रहा है ना मैं. जी सर. और बस स्टार्ट कर 100 पे, तो उसका लिखेंगे 100 प्लस 10t. समझ में आई बात? जी सर. तो जब कब कैच कब करेगा? व्हेन एक्स ऑफ मैन इक्वल्स टू एक्स ऑफ बस. मैन कैचेस द बस. ठीक है, समझ में आई बात? जी सर. तो बोलो एक्स ऑफ मैन क्या है और एक्स ऑफ बस क्या है? एक्स ऑफ मैन यूटी 20 इक्वल्स टू 100 प्लस 10t. तो आ गया आपका आंसर. क्या है?
equals to 10. When dt equals to 100 implies t equals to 10 seconds. 100 by... I'll ask you some questions, you just answer me directly. Third question. At 10 t equals to 100. Okay, 10 t equals to 100. Yeah, 10 t equals to 100. Okay, I'll ask you some bunch of questions, you answer me. ठीक है. Bus is ahead of man by 100 meters. ठीक है. U of man is 10 meters per second. U of bus is 20 meters per second. बोल लो कुछ, बोल लो अभी इसके बाद. Then बोलो. Then बोलिए. Anybody? Then क्या होगा? देखो बस इज अहेड ऑफ मैन बाय 100 मीटर्स, तो आगे कौन है? सर बस. बस है. आदमी की वेलोसिटी कितनी थी? आदमी की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड. ओके, 10 मीटर पर सेकंड. नाउ यहाँ पे मेरे को ये भी बोलना चाहिए कि बोथ मूव विद कांस्टेंट स्पीड, बोथ मैन एंड बस मूव विद कांस्टेंट velocity speed. Okay, constant speed or constant velocity, jo bhi hai. Constant velocity. So then boliye, bolo kya hoga yahan pe is situation mein. The man will, bolo sir, it will never catch it. Never catch the bus. Never catch the bus. समझ गए? यहाँ पे, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या था? At which point it will catch the bus? Bus is ahead of man by 100 meters. Both man and constant move with constant velocity. यहाँ पे मैन बस को पकड़ पाया क्योंकि क्योंकि मैन की विल. बोलो. यू ऑफ मैन ज्यादा थी तो बोलो क्या क्या लिखना, मैथमेटिकली क्या लिखूं? Velocity U is greater than U. Greater than U of bus. समझ में आई बात? यहाँ पे क्या है? Since U of man is less than U. U of bus. U of bus. समझ में आई बात? जी सर. तो अगर थोड़ा भी कम है वेलोसिटी मैन की, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि मैन कभी बस को नहीं कैच कर पाएगा. समझ में आई बात? यस सर. ओके, नाउ आई विल गिव यू वन न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी, समझ गए? सो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब, सपोज देर आर टू कार्स, देर आर टू कार्स, दिस इज वन कार, this is the second car, ये second car है, ठीक है? Now जो first car है, first car की speed जो है ना 40 meters per second है. क्या है? 40 meter per second. 40 meter per second. 40 meter per second है, ठीक है? ये जो second car है, उसकी speed same direction में है, 10 meters per second. 10 meters per second. समझ में आई बात? जी सर. सो लेट अस कॉल दिस कार ए, लेट अस कॉल दिस कार बी. ओके, कार ए एंड
कार भी, ठीक है। नाउ वी ए, अगर मैं वी ए लिखू देन दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पे जो है ना दैट इज गोइंग, समझ में आई बात, ठीक है। अगर वी बी लिखू मैं तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ, सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं समझ आई, ग्राउंड का और रिलेशन क्या वेलोसिटी का, तो कार किस पे मूव हो रही है, कार ग्राउंड पर सर, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से आगे जो जो स्पीड से जाएगी उसी को उसकी वेलोसिटी बोलेंगे ना, तो किस तो कहां से मेजर कर रहे हो आप, आपकी स्पीड ग्राउंड से मेजर कर रहे हो, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट, यस सर, ओके फाइन, ठीक है सर। मैं एक और बात बोलता हूँ, यहाँ पे 40 स्पीड ज्यादा है इसलिए उसका एरो बड़ा है, यहाँ पे 10 स्पीड कम है इसलिए इसका एरो छोटा है, समझ में ये बात, जी सर, ओके। सो व्हेन आई राइट वी ए बी, दैट मींस उसका मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू कार बी, समझ में आई बात, ठीक है। नाउ अगर आप ग्राउंड पे खड़े के देख रहे हो कार ए और कार बी को, कार ए क्या स्पीड से दिखेगी आपको, 40 मीटर पर सेकंड, कार बी क्या स्पीड से दिखेगी, 10 मीटर पर सेकंड, 10। अगर आप कार बी में बैठोगे और कार ए को देखोगे तो कार ए कितने से दिखेगी आपको, 30 से दिखेगी, राइट, 30 मीटर पर, हाँ 30 से दिखेगी, समझ में आई बात, जी ओके। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो वी ए बी इज ऑलवेज, वी ए बी इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू, जो बोलते हैं ना हमेशा उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, वेलोसिटी with respect to which you are measuring, समझ में आई बात, तो यहां पे क्या हो गई, वी ए बी क्या हो गई बोलिए, therefore वी ए बी इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी माइनस 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, समझ में आई बात, आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक और क्वेश्चन पूछूंगा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, कैसे लिखोगे, वी ए सर 10, नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, सो सर 0, वी ए 0, वी ए इक्वल टू 0 आएगा, क्यों, वी ए इक्वल टू क्या, यस सर बोलिए, 10 माइनस 10, वी ए माइनस 40 माइनस 40, वी ए माइनस वी ए, देखो वी ए भी मतलब वी ए 40 माइनस वी ए, वी ए मतलब वी ए माइनस वी ए, ठीक है, तो क्या आएगा वो, देयरफॉर 0 मीटर, 0, वी ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू सर 40 है पहले की, 40 है, 40 है, ठीक है जी सर, 40 है तो 40 ले लो, इसका मतलब क्या, अगर आप ए वाली कार में बैठ के देखोगे ए वाली कार को तो विथ रेस्पेक्ट टू यू वो हिलेगी नहीं हिलेगी ना, 0 से जाएगी, समझ में आई बात, जी सर,
ओके ये प्रॉब्लम हो गया। अभी दूसरा प्रॉब्लम बताऊंगा मैं। क्या होगा? क्या your voice is not clear, but I guess you are asking this velocity of b with respect to a, right? Yes sir. B with respect to a. अच्छा मेरे को प्रैक्टिकली बोलो, ए में बैठोगे तो बी आगे जाएगी कि पीछे जाएगी आपके? अगर ए में बैठ के ए में बैठ के बी को देखोगे तो बी पीछे जाएगी, बी पीछे जाएगी ना पीछे सर, आपके आपके कार के पीछे सर। तो लेट अस सी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? -30। हाँ नोटेशन बोलो, मैंने नोटेशन बोलना VBA, which is equal to VB minus VA. So VB minus VA क्या आएगा? 10 meter per second minus 40 meter. 10 minus 40 equals to -30. So as expected आ गया? Yes sir. Well, I'll ask you a new situation, different situation. Sir, -30 का यहाँ। अरे 10 माइनस 40 क्या आएगा? क्या मतलब है? कैन यू प्लीज टाइप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सो देखो सारे चीजें जो है ना, जो लेफ्ट साइड जाएंगे वो नेगेटिव होंगे, जो राइट साइड जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो भी ऊपर जाएगा पॉजिटिव होगा, जो भी नीचे जाएगा वो नेगेटिव हो गया। समझ में आया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स याद है ना? जी सर। ठीक है, अब एक न्यू सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -30 इन प्रैक्टिकल लाइफ? दैट मींस इट विल अपीयर टू गो टू द लेफ्ट, आपको लेफ्ट पे जाने, लेफ्ट पे दिखेगी ये जो कार दिखेगी ना बी, अगर आप ए पे बैठ के बी को देखोगे तो बी आगे नहीं जाएगी आपके, समझ गए, आपके पीछे जाएगी, लेफ्ट को जाएगी, राइट को नहीं जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो लेफ्ट जाना या पीछे जाना नेगेटिव है, राइट जाना या आगे जाना क्या है? पॉजिटिव। समझ में आई बात? ओके जी सर। अब न्यू सिचुएशन यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपको, अभी आप बोलना क्या होगा। तो ये न्यू सिचुएशन है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो न्यू सिचुएशन, आई विल चेंज द सिचुएशन, वेट, सो दिस इज द न्यू सिचुएशन। इस बार जो है ना बी इज गोइंग दिस साइड, B is going this side with 10 meters per second, इधर जा रहा है B, समझ में आई बात? Yes. तो ये है आपका B। अच्छा एक काम करते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा तो CD लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? ये C ले लो, ये कार D ले लो, ठीक है? तो what is velocity of C? सेकंड यहाँ पे लिख दूं मैं, तो यहाँ पे हो गया ये 40 मीटर पर सेकंड, लिख दिया। अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ सी हो गया और ये डी हो गया, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ओके नाउ बोलो velocity of D क्या होगा with respect to ground? बोलो। -10। Always follow sign convention. जो भी left पे है या पीछे जा रहा है वो minus होगा, जो भी right पे है या आगे जा रहा है वो plus होगा। समझ में आई बात? Yes sir. What is VAB? Sorry, VAB नहीं, हमें क्या चाहिए? V CD. CD. CD चाहिए, तो velocity of C with respect to D चाहिए। क्या आएगा? 50 आएगा। कैसे आया? Velocity minus velocity of 40 minus D. 40 is equal to 40 meters per second minus 10 meters per second. माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड, ब्रैकेट में ले लो, तो क्या आएगा?
कितना आएगा? 50 meters 50 m/s अच्छा, does this make sense? जब आप हाईवे पे ऑपोजिट जा रहे हो कोई गाड़ी के, तो एकदम तेज दिखेगी ना आपको? यस सर। अगर सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो क्या दिखेगी? थोड़ा धीरे से जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो ऐड होगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलता हूँ बिना कैलकुलेट करे, वी डी सी विल बी इक्वल टू वी डी माइनस वी सी विच विल बी इक्वल टू माइनस 40 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आई बात? ठीक है। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक स्टेटमेंट, वी ए बी विल बी इक्वल टू माइनस वी बी ए, वी सी डी विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस वी डी सी। समझ में आई बात? जी सर। क्यों? सिंपल सर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। हाँ सिंपल है। डेफिनेशन क्या है? VAB क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ VAB क्या है? VAB इज VA माइनस वेलोसिटी VB। VBA क्या है? VB माइनस VA। VCD क्या है? VC माइनस VD। VD और VDC क्या है? VD माइनस VC। अब क्लियरली यू कैन सी दैट दीस टू आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। यस सर। समझ गए? ये दोनों जो है ना एक दूसरे के नेगेटिव है। ये दोनों जो है ना एक दूसरे के नेगेटिव है। समझ गए? दैट्स व्हाई VAB इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस VBA, VCD is always equal to minus VCD। समझ में आई बात? जी सर। जी सर। ओके क्लियर। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। जो बस का प्रॉब्लम था ना आपका सर, बस वाज मूविंग विद अ 50 मीटर्स पर सेकेंड, और सॉरी क्या था बस का? 100 यानी बस का, बस का प्रॉब्लम हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम था 120 आई थिंक, बस का 10 मीटर पर सेकंड था। बस का क्या था? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड था। और मैन का क्या था? 20 मीटर पर। समझ गए? तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? माइनस 10। यस सर। Equals to minus 10 meters per second. Second. बराबर? दोनों के बीच distance क्या था? Distance. 10 meter. 100. Correct? Clear? समझ में आई बात? जी सर। ओके तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? -10। इसका मतलब दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस कम होगी टाइम के साथ। ठीक है। यस तो डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बस, डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन, बोलिए, मैन एंड बस, सेपरेशन बिटवीन मैन एंड बस कैन बी गिवन बाय इनिशियल सेपरेशन प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आया? जी सर। तो सेपरेशन बिटवीन मैन एंड बस कैन बी गिवन बाय इनिशियल सेपरेशन प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आई बात? तो इनिशियल सेपरेशन कितना है? 100 प्लस रिलेटिव स्पीड कितनी है? -10 इनटू टाइम।
when will he catch the bus? When the separation becomes zero. ठीक है, ये क्या है? What is this? Linear equation. नहीं, this is separation at time t. This is separation at time t. Time t. Agreed. समझ में आया? So separation will be zero at zero when 100 minus 10 t equals to zero. समझ में आई बात? जी सर. That means 100 must be equal to 10 t implies t must be equal to 10 seconds. समझ में आई बात? 1/10. Okay. Yes sir. Now अगर if bus moves with if velocity of bus is बोलो if velocity of bus is 20 meters per second and velocity of man is 10 meters per second then relative velocity of bus with respect to man is equal to vb minus vm equal to क्या आएगा 20 minus 10 meters per second. So relative speed between man and bus क्या होगा? VBM is equal to plus 10 meters per second होगा. समझ गए? Yes sir. So final separation क्या होगा? और separation at time t क्या होगा? Zero. सेपरेशन एट टाइम टी क्या होगा? इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम. तो बोलो क्या आएगा सेपरेशन एट टाइम टी? बोलिए. 100 प्लस 10. वेरी गुड. इज 100 प्लस 10 टी 10 इनटू टी. यस सर. दिस कैन नेवर बी जीरो इन फ्यूचर. व्हाई सर? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बस ज्यादा. सो दिस कैन नेवर बी जीरो. देयरफॉर विथ टाइम सेपरेशन इंक्रीजेस एंड नेवर डिक्रीजेस. तो कंक्लूजन क्या है? द मैन कैन वॉन्ट कैच द बस नेवर कैच द बस. क्लियर? नो सर. समझ में आई बात? जी सर. नो सर. देखो सेपरेशन बिटवीन मैन एंड बस क्या होगा? इनिशियल सेपरेशन प्लस जो चेंज इन सेपरेशन है. समझ गए? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है मैन के बीच में? यहाँ पे 10 है बट मैन की वेलोसिटी ज्यादा है बस से. तो मैन करीब जाएगा बस के क्या दूर जाएगा? करीब. करीब जाएगा तो सेपरेशन कम होगा क्या बढ़ेगा? कम होगा. कम होगा. कम होगा. इसीलिए क्या आया? 100 कम हो रहा है ना, इसलिए माइनस 10 टी आया. यस सर. और ये 10 क्या है? उसकी रिलेटिव स्पीड है माइनस 10. ठीक है.
अच्छा अगर बस की स्पीड ज्यादा है तो सेपरेशन कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, इसलिए 100 प्लस 10 डी आया इधर, सेपरेशन बढ़ते जाएगा टाइम से। यस सर। ठीक है सर, तो ये कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि टी कभी नेगेटिव नहीं होगा, टी हमेशा पॉजिटिव हो। क्लियर? जी सर। ओके सो विल कंटिन्यू टुमारो। So yes, sir. Today, whatever I have covered, I covered it little bit slow because this is very important. Just go through well. I'll upload this in the group. Okay. Okay, sir. And yes, lecture will be uploaded as soon as possible by evening. If you want, you can rewatch. Clear? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.